हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडल वर्ब की सीरीज़ में। आज देखते हैं मॉडल वर्ब की सीरीज़ में ही हमारे नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है मस्ट एंड शुड, मतलब मिसन उंड सॉलन, और इनका मतलब होता है हिंदी में चाहिए। मतलब यू मस्ट डू दिस थिंग, तुम्हें ये करना चाहिए। यू शुड डू दिस थिंग, तुम्हें ये करना चाहिए। मस्ट एंड शुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर अगर देखा जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें फिर भी थोड़ा डिफरेंस बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी कॉन्जुगेशंस। इश मुस, आई मस्ट, दू मुस्त, यू मस्ट, एम मुस, जी मुस, एस मुस, ही मस्ट, शी मस्ट, इट मस्ट, वी आर मिसन, वी मस्ट डू दिस थिंग, वी आर मिसन, ई मिस्ट, जी मिसन, और फॉर्मल में भी आएगा जी मिसन, मगर एस जो है कैप्स रहेगा। एग्जाम्पल्स में इश मुस यत्स गेन, आई मस्ट गो नाउ, इश मुस यत्स गेन, मुस मॉडल वर्ब है, सेकेंड नंबर पे है, गेन इन्फिनिटिव है, सेंटेंस के एंड में है। दोस्तों बार बार ही एक ही चीज़ को रिपीट करने का मतलब यही होता है कि आप जितनी बार ये वीडियो देखें आपको ये अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से मॉडल वर्ब में सेकेंड पोजिशन और लास्ट पोजीशन जो इन्फिनिटिव की है वो होती है। क्योंकि ये मुश्किल से छः, आई गेस छः हैं मॉडल वर्ब्स पूरे, और बहुत इजी हैं। जैसे जैसे आप इनका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आपको ये चुटकियों में याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कभी मत भूलिएगा। चलिए, इश मोस दस डॉक्यूमेंट ऑस ड्रुकन, आई मस्ट प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट, दस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट, ऑस ड्रुकन मतलब प्रिंट करना, आई मस्ट प्रिंट द डॉक्यूमेंट, मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। ओके, इश जॉल जॉलन, जॉलन मीन्स शुड, चाहिए, इश जॉल, डू जॉल्स्ट, इट जॉल, जी जॉल, इज जॉल, वे आर जॉलन, ईयर जॉल्ट, जी जॉलन। एग्जाम्पल, Zolish dish from Flughafen abholen. Should I pick you from the airport? Zolish, should I, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, should I pick you from the airport? क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूँ, या क्या मुझे तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेना चाहिए, बट जनरली ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूँ ना। सेंटेंस सेम ही है, मीनिंग एक ही है दोनों की। Flughafen मतलब एयरपोर्ट, abholen मीन्स पिक करना, किसी को उठा लेना, उठा लेना इन द सेंस पिक करना, ऐसे नहीं कि किडनैप करके उठाना, नहीं, किसी को रिसीव करके उठाना। जोक्स अपार्ट, जॉलिश डिन कंप्यूटर ऑफ शाल्टन, शुड आई टर्न ऑफ द कंप्यूटर, और शाल्टन बहुत ही खूबसूरत वर्ब है, बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को कंप्यूटर ऑन ऑफ करना होता है, तो उसके लिए वर्ड बहुत ही अच्छा है, आइन शाल्टन एंड ऑस शाल्टन। आइन शाल्टन मतलब होता है ऑन करना, ऑस शाल्टन मतलब होता है बंद करना। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, गेगन टाइल है, गेगन टाइल मीन्स अपोजिट वर्ड्स। जॉलिश डेन कंप्यूटर ऑस हाल्टन, यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब ऑस शाल्टन है। शुड आई टर्न ऑफ द कंप्यूटर, क्या मुझे कंप्यूटर बंद कर देना चाहिए, या मैं क्या मैं ये कंप्यूटर बंद कर दूँ। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, हमेशा की तरह जैसे बाकी हमारे मॉडल वर्ब रहते हैं। पेटर मुस डी ए मेल हॉट पे एंड वॉटन, पेटर मुस मतलब पीटर मस्ट बे एंड वॉटन, आंसर करना चाहिए डी ई मेल्स हॉट, ई मेल्स को आज पेटर को जो है आंसर जवाब देना चाहिए। एंड वॉटन मतलब होता है जवाब देना चाहिए, बे एंड वॉटन मतलब भी होता है जवाब देना चाहिए। पेटर मोस डी ई मेल हॉट बे एंड वॉटन, बहुत ही खूबसूरत शब्द है बे एंड वॉटन। फिर आता है एवा, एवा जॉल जॉय प्लेट्स इम रेस्टोरेंट रिजर्वियरन, जॉय प्लेट्स, प्लट्स एक प्लट्स मतलब एक सिंगल स्पेस, जॉय जॉय मीन्स दो, दो प्लेट्स प्लूरल है, टू टू प्लेसेस दो जगह जो है रेस्टोरेंट में रिजर्व करनी चाहिए, किसको, एवा को, एवा जॉल, एवा शुड रिजर्व टू प्लेसेस और टू सीट्स इन रेस्टोरेंट। गिब्रॉक
यूज़ कहाँ होता है? अच्छा दोस्तों, सबसे पहला आता है नोट वेंडिश गाइड, नोट वेंडिश गाइड, इसे वेंडिग नहीं कहेंगे, यहाँ पे श है, शलगम वाली श यहाँ पे आई है, नोट वेंडिश गाइड नेसेसिटी। जब हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो कि मेरी टीचर ने मुझे दिया था, कि जब हम लोग कहते हैं कि वी मस्ट ब्रीद, वी मस्ट ब्रीद, अब ये कोई चीज़ हम नहीं, हम ये नहीं कहते, हम हमेशा यही कहते हैं वी मस्ट ब्रीथ, हम ये नहीं कहते कि वी शुड ब्रीथ। मैं कभी ये नहीं कहूँगी यार तुम्हें ना सांस लेनी चाहिए, क्योंकि सांस जो है ज़रूरत है, अगर नहीं लूँगी तो मर जाएंगे, इसलिए हमेशा इसमें मस्ट आता है क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। और शुड कहाँ आता है? शुड हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं तब आता है, यू शुड डू दिस एक्टिविटी, तुम्हें ये काम करना चाहिए, है ना? तो इसलिए इसमें बस यही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि मस्ट नेसेसिटी हो जाती है और शुड जो है वो एक तरीके की इंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, वी आर मिसन हॉइट डिन फ्लू बुखन, वी मस्ट बुक द फ्लाइट टुडे। अब आप कहेंगे कि इसमें तो शुड भी आ सकता था, वी आर जॉल इन हॉइट डिन फ्लू बुखन, बट आई गेस दोनों ही यहाँ पर ठीक है, वी शुड बुक द फ्लाइट टुडे। देखिए कहीं कहीं पर मिसन और जॉलन दोनों ही सेंटेंस में सही रहते हैं, पर फिर भी अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको उसमें एक परफेक्ट आंसर जो है मिलेगा। अब यहाँ पे वी मिसन हॉइट डिन फ्लू बुखन, यहाँ पे है कि अगर मैं नहीं टिकट्स बुक करूँगी तो फिर मैं शायद अपनी कोई कॉन्फ्रेंस मिस कर दूँ या कोई भी चीज़ मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँ, इसलिए वो एक तरीके की नेसेसिटी हो गई है। ओके, सेकेंड आता है ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक वही है, इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स देना, डी सेक्रेटेरिन जॉल डिन टर्मिन अबसागन, डी सेक्रेटेरिन सेक्रेटरी जॉल डिन टर्मिन अबसागन। अब यहाँ पर मस्ट भी आ सकता था और जॉल भी आ सकता है आई गेस, क्योंकि दोनों ही सही लगते हैं, दी सेक्रेटरी मस्ट कैंसिल द मीटिंग, क्योंकि ये भी एक नेसेसिटी है, अगर नहीं करेगी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या द सेक्रेटरी शुड कैंसिल द मीटिंग, आई गेस दोनों ही इसमें सही हैं। द सेक्रेटेरिन जॉल्ड इन टर्मिन, टर्मिन मतलब होता है मीटिंग, अबसागन, अबसागन मतलब होता है कैंसिल करना, किसी मीटिंग को कैंसिल करना, ये जनरली जो है मीटिंग के साथ ये वर्ब यूज़ में आता है, डिन टर्मिन अबसागन कहते हैं, टू कैंसिल द मीटिंग। ओके, देन आता है थर्ड नंबर, उसमें है वाज मिश्ड दी अंडर अ पर्सन, व्हाट द अदर पर्सन, ये भी एक तरीके की इंस्ट्रक्शन है कि अदर पर्सन को क्या करना चाहिए, वाज मिश्ड दी अंडर अ पर्सन टून, टून मीन्स टू डू, जॉल इश इम रेस्टोरेंट प्लेट्स रिजर्वियरन, शुड आई रिजर्व अ प्लेस इन रेस्टोरेंट, शुड आई रिजर्व द सीट्स इन द रेस्टोरेंट, जॉल इश यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, शुड आई रिजर्व द प्लेस इन द रेस्टोरेंट, ओके शुड आई प्लेस ई, ओके दोस्तों ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है, इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, मैं भूल गई हूँ, जॉल इश इम रेस्टोरेंट, क्या मैं रेस्टोरेंट में होटल में एक सीट रिजर्व कर दूँ, ये क्वेश्चन है। ओके, ये आप कर सकते हैं जब आपको किसी ने कुछ काम करने के लिए कहा हो या रिजर्व करने के लिए कहा हो, अगेन एक तरीके की इंस्ट्रक्शन है। ऑल राइट, यहाँ पे फिर से एक छोटी सी एक्सरसाइज है, फिल इन द राइट फॉर्म, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसको भरा हुआ है, इश मोसास डॉक्यूमेंट ऑस ड्रुकन, आई मस्ट प्रिंट द डॉक्यूमेंट, मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहिए, इश मोस एस माइन हाउस ऑफ गाबन माहन, आई मस्ट फर्स्ट डू माई होमवर्क, मुझे पहले अपना काम या होमवर्क, अपना होमवर्क करना चाहिए। हाउस ऑफ गाबन बहुत ही अच्छा वर्ड है, बच्चे लोग बहुत यूज़ करते हैं हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन, मुझे अपना होमवर्क सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। रवि मस डॉच लर्नन, रवि मस लर्न जर्मन, रवि को जर्मन ओके पढ़नी चाहिए, लर्न ना, ही मस्ट लर्न जर्मन। राधा जॉल स्टडियरन, राधा शुड स्टडी, राधा को पढ़ना चाहिए। दोस्तों मस्ट एंड सॉल्व बहुत ही ईजी, मुझे लगता है सबसे ईजी मॉडल वर्ब्स हैं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप सबके आंसर्स ज़रूर दूंगी। और इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरी वीडियोस को। फेसबुक पे मेरे दोस्त बनिए, वहाँ पर मैं काफ़ी सारे अपने जो जेपेग्स हैं जेपेग फॉर्मेट में ग्रामर अपलोड करती हूँ। आई होप वो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूस।